नमस्कार दोस्तों, एक कदम सफलता की ओर में आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द स्पीड अनबॉक्सिंग में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये गारंटी देता हूँ कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा ये कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके उपयोग की चीज हम आपको जरूर उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि मैं भी एक कंपटीटर रहा हूँ, मैं भी कंपटीशन में हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो है आज से मैथ की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो रही है और हम औसत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो औसत हमारा आज पहला वीडियो रहेगा औसत का, और केवल वही क्वेश्चन बताएंगे जो मैक्सिमम परीक्षा में पूछे जाते हैं, और केवल मात्र दो वीडियो में पूरा औसत में खत्म कर दूंगा, ये गारंटी है। सुपर 30 जैसा कि आप देख रहे हैं हमने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, तो 30-30 क्वेश्चन की हमारी श्रृंखला चलेगी। तो 30-30 क्वेश्चन का दो वीडियो आपको मिलेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूरे 60 क्वेश्चन में पूरा एवरेज आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको इसके बाहर का मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहेंगे तो वहां भी जुड़ सकते हैं, कमेंट में यस लिखिएगा, अपना नंबर सेंड कीजिएगा, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक, तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ औसत में, सबसे पहले तो बेसिक आप ये जान लीजिए कि बेसिक तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मतलब कि कुल जोड़ दिया जाता है ऊपर वाला, यानी कि पद जोड़ दिया जाएगा और बटे संख्या कर दी जाएगी। तो हम चूंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए हमको कुछ सूत्र जानना जरूरी है। जैसे कि लिखा है कि यदि क्रमिक संख्या का औसत यक्ष हो, मान लीजिए कि क्रमिक संख्या का औसत यक्ष हो, जैसे कह दिया जाए कि 5 संख्या का औसत 15 है, और यदि उसमें अगली 5 संख्या और जोड़ दी जाए या उसमें अगली 6 संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा? तो औसत होगा यक्ष प्लस यन बटे 2। फिर उसी तरह अगर जो है क्वेश्चन बन जाता है कि यदि क्रमिक संख्याओं का औसत इतना है यक्ष है, और उसमें से अगली यन संख्या हटा दी जाती है तो नया औसत क्या होगा? पहले बताया कि अगली यन संख्या जोड़ दी जाती है, दूसरे में हमने बताया कि अगली यन संख्या घटा दी जाती है। फिर अगला टाइप ये हो सकता है कि यदि यन क्रमिक संख्या का औसत इतना है और उसमें पिछली यन संख्या जोड़ दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब अगली संख्या जुड़ेगी तो जो औसत होगा वो हमारा यक्ष प्लस यन बटे 2 होगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ठीक, तो चूंकि अगली संख्या जोड़ रही है, अगली संख्या मतलब जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 है, 4 के बाद अगली संख्या जुड़ेगी तो 5 जुड़ेगी ना, यानी कि उससे बड़ी संख्या जुड़ रही है, तो बड़ी संख्या जुड़ेगी तो इसीलिए यहाँ पे प्लस होता है। उसी तरह अगर जो है अगली यन संख्या निकाल दी जाए, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, अगली संख्या मतलब लास्ट की 5 और 6 मान लो निकाल दी जाए, तो चूंकि बड़ी संख्या निकाली जा रही है इसलिए औसत में हमारा माइनस होता है। फिर उसी प्रकार की उसमें पिछली यन संख्या जोड़ी जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है और इसमें पिछली यन संख्या जब आप जोड़ेंगे तो 1 के पीछे क्या मिलेगा? माइनस 1 के पीछे -2, तो जो मिलेगा वो मुझे 1 से छोटा मिलेगा, इसीलिए जो औसत रहेगा वो हमारा यक्ष -1/2 हो जाएगा। फिर उसी तरह कि अगर पिछली यन संख्या छोड़ दी जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 1, 2, 3 मान लो छोड़ दिया जाए, चूंकि छोटी छोटी संख्या हटा दी गई तो अब हमारे पास बड़ी संख्या बची, तो जो औसत होगा वो भी हमारा बड़ा होगा, अर्थात यक्ष प्लस यन बटे 2। फिर यदि क्रमिक संख्या का औसत यक्ष है, मान लीजिए कि 10 संख्याओं का औसत 50 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो उसके लिए है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए आप जान लीजिए प्लस रहता है, छोटी संख्या के लिए माइनस, तो यक्ष प्लस यन बटे 2 और यक्ष माइनस यन बटे 2, ये चीज है कब? जब यन क्रमिक संख्या का औसत यक्ष हो। फिर अगला है यदि यन क्रमिक, अब यहाँ पे है देखिए सम या विषम संख्या, तो सम या विषम संख्या का औसत यक्ष हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो अंतर इसमें दोनों में यही है कि इसमें बटे 2 करते थे और इसमें बटे 2 ना करके सीधे घटा दिया जाता है। तो ये सूत्र है, मैं 2 मिनट बगल हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आप एक
15 रुपए वाली कॉपी खरीद लीजिए, जितना क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप उसमें लिख लिया कीजिए, ठीक। तो गारंटी करता हूँ जब कोई भी पेपर जितना भी आयु तक एग्जाम हुआ है अगर आप मिलाएंगे तो 99% आपको क्वेश्चन जो है मेरे मैथ का उसमें मिल जाएगा। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको उतार दीजिएगा, ठीक। आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अभी नॉर्मल क्वेश्चन, उसके बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे हम उसकी जो टफ है उसको हम करते जाएंगे, ठीक। धीरे धीरे इसको टफ करते जाएंगे क्वेश्चन को। तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब देखिए, क्योंकि हमको पता है कि 5 संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, और 5 संख्या का जो औसत है वो क्या है 10 है, ठीक। 5 संख्या का औसत 10 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब छठी संख्या हमको जोड़ना है कि औसत 12 हो जाए। तो याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या जोड़ने से औसत अगर बढ़ता है, दो चीज, या तो कोई संख्या जोड़ने पर औसत बढ़ेगा या तो कोई संख्या जोड़ने पर औसत घटेगा। अगर औसत बढ़ता है तो इसका मतलब जोड़ने वाली संख्या, जो संख्या जोड़ी जा रही है वो औसत से बड़ी है, और अगर औसत हमारा घटता है तो इसका मतलब जो संख्या जोड़ी जा रही है वो औसत से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या जोड़ी जाएगी, जो संख्या जोड़ी जाएगी वो क्या होगी, 10 से बड़ी होगी। ऐसा हमने कैसे जाना, क्योंकि देख रहे हैं औसत जो था वो पहले 10 था और फिर 12 हो गया, तो औसत 10 से बड़ा होगा, तो 10 तो होगा ही, ये तो आपको पता ही है। और 10 से कितना बड़ा हो रहा है, 2 बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, 2 बड़ा हो रहा है। और कितनी संख्या है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, और ये जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 10 प्लस 2 हुए 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 2 6 12 बराबर 22, यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि कितनी संख्या है अगर जोड़ने पर औसत बड़ा हो जाए, याद रखिएगा, अगर जोड़ने पर औसत बड़ा हो जाए तो जो रहेगा हमारा यहाँ पे उसमें जो है जोड़ देंगे, और अगर औसत हमारा कम हो जाए तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस चिन्ह लिख देंगे, ठीक। इसी के नियम पे जब अगली सवाल बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे, आप रिवाइज एक बार बैक करके इसको फिर से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 141 का औसत बताइए। एक चीज याद रखिएगा, अगर संख्याओं के बीच का जो अंतर है अगर वो समान है, ध्यान से सुनिएगा, संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान है तो जो औसत होता है वो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 हो जाता है, यानी कि इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 1 + 141/2 = 142/2, यानी कि 214 दूर करना, तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इतने इतने का औसत बताइए। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 के बाद 3, अंतर कितने का है 2 का, फिर 3 के बाद 5, अंतर कितने का 2 का, 5 के बाद 7, अंतर कितने का 2 का। तो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में हमको 2-2 का अंतर मिल रहा है, और हमने बताया कि अगर अंतर हमको समान मिले तो जो औसत होगा वो क्या होगा, औसत जो होगा वो पहली संख्या और प्लस आखिरी संख्या बटे 2, इसका मतलब 32/2, यानी कि 16, इसका औसत क्या हो जाएगा हमारा, इसका औसत हो जाएगा 16, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, ठीक। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 22 हो जाए। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले औसत हमारा 20 था और अब कितना हो गया, 22 हो गया, इसका मतलब औसत 2 बढ़ गया, और औसत 2 बढ़ गया इसका मतलब कि जो संख्या जोड़ रहे हैं वो संख्या 20 से बड़ी होगी। हमने बताया कि अगर औसत बढ़ेगा तो जो संख्या जोड़ी जाएगी वो औसत से बड़ी जोड़ी जाएगी, अगर औसत घटेगा तो जो संख्या जोड़ी जाएगी औसत से छोटी जोड़ी जाएगी। तो अब नया औसत के नई जो संख्या जोड़ी जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, देखिए क्योंकि जोड़ने पर औसत बढ़ जा रहा है इसलिए जो संख्या होगी वो 20 से बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी होगी ये देखिए, कितनी संख्या है 5,
तो पांच संख्या है, जब एक संख्या जोड़ देंगे कितनी संख्या हो जाएगी, छह, इसीलिए छह। और इंटु कितना बढ़ रहा है, देखिए बीस से कितना हो जा रहा है, बाईस हो जा रहा है, अर्थात दो बढ़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, बीस प्लस छह दूनी बारह, तो बराबर बत्तीस। यानी कि जो संख्या जोड़ेंगी वो संख्या कौन सी होगी, बत्तीस होगी। जैसे अगला है, आठ संख्याओं का औसत पचपन है, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नया औसत बावन हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या हमको जोड़नी है, तो पहले पचपन था और अब बावन हो गया है, मतलब पचपन से बावन हो गया है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे पचपन से बावन अर्थात तीन की कमी हो गई। इसका मतलब जो संख्या होगी वो औसत से कम होगी, तो पचपन माइनस कितना कम होगी, क्योंकि तीन कम हो रहा है ना, तीन और इनटू संख्या कितनी है, आठ संख्या और एक संख्या और जोड़ेंगे तो नौ संख्या हो जाएगी, यानी तीन इंटू नौ बराबर पचपन माइनस सत्ताईस। तो इसको जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आठ और एक, अठारह आ जाएगा ये हमारा आंसर। जैसे प्रथम दस सम संख्या का औसत कितना होगा, तो प्रथम दस मतलब दो दो चार, इसी तरह डाट डाट दो इंटू दस करेंगे तो बीस हो जाएगा। ये प्रथम दस सम संख्या है और इसका औसत पूछ रहे, देख रहे हैं इसमें जो अंतर है अंतर समान है, दो में दो जोड़ेंगे चार, चार में दो जोड़ेंगे छह, इसी तरह दो दो का अंतर पड़ रहा है। अगर अंतर समान होगा तो जो हमारा औसत होगा वो औसत क्या हो जाएगा, औसत में हमने बताया कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे दो, यानी कि दो प्लस बीस बटे दो बराबर बाईस बटे दो बराबर ग्यारह। जैसे अगला है, इकसठ तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इकसठ तक की मतलब एक दो तीन चार इसी तरह डाट डाट एक, इकसठ तक की सभी विषम, विषम का मतलब एक तीन पांच सात डाट डाट इकसठ तक की मतलब इकसठ को लेकर के। तो कुल टोटल हमने बताया कि इस तरह अंतर देख रहे समान है, सबने दो दो का अंतर है, तो जो औसत होगा हमारा, जो औसत होगा, औसत हो जाएगा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, यानी कि एक प्लस इकसठ बटे दो बराबर बासठ बटे दो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इकतीस आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नोट कर दिए किया कीजिए, नोट करने के बाद उसको सॉल्व किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला लिखा है सात क्रमागत संख्याओं का औसत पैंतीस है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, या चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत सत्ताईस है तो बड़ी संख्या क्या होगी, या पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पंचानवे है तो चौथी संख्या क्या होगी, या एक क्रमागत संख्याओं का औसत सत्तावन है तो बड़ी संख्या क्या, मतलब जब हमको क्रमागत संख्या दी गई रहे और कह दिया जाए बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, चौथी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आगे देखिए सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है कि सात क्रमागत संख्याओं का औसत तैतीस है तो बड़ी संख्या क्या होगी। हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर यह क्रमिक संख्याओं का औसत यक्ष है तो बड़ी संख्या जो होगी हमारी वो होगी यक्ष और प्लस, क्योंकि यह क्रमागत संख्या अगर जोड़ रहे हैं तो यह माइनस वन बटे दो, ये हमारी बड़ी संख्या होगी, और जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या जो होगी वो यक्ष माइनस यन माइनस वन बटे दो। तो यक्ष, यक्ष हमारा औसत है कितना, तैतीस, प्लस यन, यन हमारा संख्या है, क्रमिक संख्या कितनी है तो सात है, तो सात माइनस एक बटे दो, इसका मतलब ये हुआ कि तैतीस और प्लस सात में से एक गए छह, छह बटे दो यानी कि तीन, तो बराबर छत्तीस। तो जो बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी छत्तीस, और छोटी संख्या की बात करेंगे हम तो तैतीस, यही प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो तैतीस माइनस तीस ये हो जाएगी तीस, तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो चूंकि सात क्रमागत सम संख्या, सात क्रमागत संख्या है, इसका मतलब कि जो छोटी है वो तीस, तो तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैतीस, तो यही हो जाएगी हमारी संख्या। इसमें चाहे जो पूछे, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, पांचवी संख्या, चाहे जो पूछे हम सारी संख्या बता सकते हैं। अगला था चार क्रमागत सम संख्या, यहाँ पे देखिए एक चीज और मिला, सम संख्या,
तो सब संख्या या विषम संख्या अगर दी रहे तो जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या हमारी होगी x प्लस n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, x कितना है 27, औसत 27 है, और प्लस n जो क्रमिक संख्या कितनी है 4, तो 4 माइनस 1 यानी कि 27 और प्लस 3 तो बराबर 30। अगर छोटी संख्या निकाले तो छोटी संख्या बराबर x माइनस n माइनस 1 बराबर 27 माइनस 3, बीच में जो प्लस है यही माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 3 यानी कि 24, यही हो जाएगा छोटी संख्या ये बड़ी संख्या। तो अगर पूछे संख्या तो 24 फिर 26 फिर 28 फिर 30, तो चार संख्या देखिए आ गया। अब चाहे पहली संख्या पूछे, दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, चौथी पूछे, चाहे जो पूछे हम लगा लेंगे। अगला था हमारा पांच क्रमागत विषम संख्या का औसत 95 है, तो चौथी संख्या क्या होगी, तो पांच क्रमागत विषम है तो चाहे विषम हो चाहे सम हो दोनों का रूल वही है, तो बड़ी संख्या जो होगी x प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 95 और प्लस n 5 है माइनस 1, यानी कि 95 और प्लस 4 बराबर 99। और छोटी संख्या में पूछी जाए तो छोटी संख्या 95 माइनस 4 तो बराबर 91, इसका मतलब जो संख्या हो जाएगी 91 फिर 93 फिर 95 फिर 97 फिर 99, यानी चूंकि विषम संख्या इसीलिए दो दो होते जाएंगे। अब चाहे उनको पहली निकालनी हो, दूसरी निकालनी हो, तीसरी निकालनी हो, चौथी निकालनी हो, तो चौथी पूछा है चौथी हमारा 97 हो जाएगा। इसी तरह इसमें लिखा है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 57 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये मैं होमवर्क में देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए हमको कि कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, तो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक, ये सुपर 30 जो हमारी सीरीज चल रही है ये लगातार चलती रहेगी। ठीक, तो 10-10 का जो है आपको एक वीडियो में 10 क्वेश्चन दूंगा मैं, और इसी तरह आपकी सीरीज चलती रहेगी। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। पहला चैप्टर मैंने उठाया है औसत, औसत के बाद फिर हम अगला चैप्टर उठाएंगे, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।